जैसे हमने देखा कि ऑल टेक्स्ट एक टैग होता है जो गूगल पढ़ता है उसको इमेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन गूगल उसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ता है। हमने वो भी अंडरस्टैंड करनी है कि वो और क्या चीज़ें हैं जो गूगल पढ़ के हमारी बेहतर SEO कर सकता है, यानी कि अगर कोई हमारी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है और हमारा इमेज उसमें रैंक कर जाए तो वो क्या क्या गूगल चीज़ें देखेगा। ऑल टैग एक चीज़ थी, लेकिन ऑल टैग के अलावा भी टैग्स मौजूद हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस टॉपिक में बताऊँ। तो इस टॉपिक में हमारे पास मेनली तीन और चीज़ें हैं जो गूगल मैयर करता है टेक्स्ट के हवाले से, जिसको आप अगर बेहतर कर लें तो चांसेस हैं कि हमारी SEO बेहतर हो जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये बेसिकली इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता, ये माइनर इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप ये छोटा छोटा करके अगर आप सारे इमेजेस पे करते जाएंगे और आपकी इमेजेस पे अगर आपकी वेबसाइट पे अगर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस भी हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ये इमेज SEO के बारे में सीरियस हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप डेफिनेटली ये ज़रूर करें। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है टाइटल ऑफ द इमेज। सो इमेज का टाइटल बेसिकली आप दे सकते हैं जो कि नज़र नहीं आता। जब आप इमेज का टाइटल देंगे तो आप अपना माउस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो एक टूल टिप छोटी सी पॉपअप होती है आपके कर्सर के बिल्कुल पास से, जहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ये तभी होगी जब उसमें टाइटल लगा हुआ होगा। सो अगर इमेज का आप ऑल टैग लिख रहे हैं तो आप उसका टाइटल भी ज़रूर लिखें। तो टाइटल लिखने के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम दोबारा से एग्जांपल लेंगे उसी फोर्ड मस्टैंग कार की जो हमने अभी पहले देखी थी। इसमें हमने डिसाइड किया था कि इसका जो इमेज का HTML टैग बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें उसका इमेज का URL है, इमेज का ऑल टैग्स हैं और उसके अलावा उसकी विड्थ और हाइट भी एक्सप्लेन्ड है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है HTML में टैग्स इसी तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन आप इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेस एक्स्ट्रा ना डालें, सिर्फ लाइन ब्रेक करें तो कोई मसला नहीं है, HTML फिर भी रीडेबल होती है। सो कुछ ब्रेक करने से ये जो टैग कोड है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैंने हर कोड को, हर टैग को एक डिफरेंट लाइन में कर दिया ताकि हम समझने में आसानी करें। और मैंने ये आप देख सकते हैं कि ऑल टैग हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये बेसिकली क्या होता है। इस ऑल टैग को ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब हमने ऐड करना है टाइटल टैग। सो टाइटल टैग कैसे ऐड होगा? जिस तरह से ऑल टैग ऐड होता है उसी तरह से टाइटल टैग भी ऐड होता है। सो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइटल लिख दिया है इस इमेज के बारे में। ये एक रैंडम मैंने इमेज लेकर रैंडम मैंने एग्जांपल लिखी है। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं। तो याद रखें, जब भी हम कोई चीज़ ऑप्टिमाइज़ करने की बात करें, आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उस पेज के अराउंड जो आपने ग्रुप असाइन किया है उसी ग्रुप में से। आप ओवरलैप नहीं करेंगे, आप वो मिक्स नहीं करेंगे। सो ये याद रखना आपने हमेशा, जब भी मैं बात करूँ तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो जब मैंने टाइटल लिखा वो टेक्स्ट HTML में कुछ इसी तरह से नज़र आएगा, जहाँ पर ये आपको पूरे का पूरा जो टाइटल की ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखें, स्पेसिफिक लिखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करें, लेकिन स्ट्रक्चर भी यूज़ करें। इसी तरह से आप इमेज का, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि खसूसन ख़बरों में या अखबार अगर आप पढ़ते हैं वहाँ इमेज लगता है तो इमेज के नीचे छोटा सा कैप्शन लिखा हुआ होता है। वो लंबा भी हो सकता है लेकिन वो बहुत छोटे अल्फाज में लिखा हुआ होता है, जिसमें वो इमेज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो इमेज के बारे में बता रहे होते हैं कि ये कौन खड़ा है या इसमें क्या हो रहा है या वो क्या स्टोरी है। वो इमेज बेसिकली हेल्प करता है यूज़र को देखने के लिए, लेकिन वो साथ ही टेक्स्ट भी लिख देते हैं ताकि यूज़र को अगर नहीं पता तो वो ये बता दे कि ये क्या इसमें जो है ना क्या हो पा रहा है। सो ये चीज़ गूगल भी मैयर करता है। तो जब आप कैप्शन लेंगे, कैप्शन के लिए जो कोड बनेगा बेसिकली आप सबसे ऊपर फिगर का कोड ओपन करेंगे, उसके अंदर इमेज का टैग वैसे ही चलेगा जो हमने पहले लिखा था, फिर नीचे फिगर कैप्शन का टैग ओपन होगा, क्लोज होगा और उसके बीच में हम अपना टैग जो टाइटल जो कैप्शन लिखना है हमने उसके बीच में लिख देंगे। ये HTML की कोडिंग है और ये ऐसे ही है, हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है और अगेन हमने इतना अंडरस्टैंड करना है कि हम इसको समझ के कर सकें, या अगर हम किसी डेवलपर की सहूलत अवेलेबल है तो हम डेवलपर से करवा भी सकते हैं। तो आप इस कोड को इस तरह से लिख कर उसमें अपने कैप्शन लिखें, कैप्शन में भी कोशिश करें कि डिस्क्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा कि इमेज के अंदर क्या हो रहा है और उसके कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे। सो अगर आप ये देखें तो ये वही कोड अगर मैं फाइनल फॉर्म में देखूं तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको लाइंस ब्रेक कर दूं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि अब हम क्या इस कोड को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं? जी, तो बिल्कुल ये जो कोड है वो ऑलमोस्ट रेडी है आपकी SEO के लिए, जिसमें ना सिर्फ टाइटल बल्कि उसमें ऑल टैग और उसमें कैप्शन भी लगा हुआ है। ये तीन चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा गूगल क्या देखता है टेक्स्ट के हवाले से,
तो वो एक और चीज़ है जो बेसिकली तीसरा पॉइंट था कि आपका टेक्स्ट कौन सा लगा हुआ है उस इमेज के अराउंड। सो वो जो इमेज है वो कहाँ पर नज़र आ रहा है। सो अगर आपका बहुत लंबा पेज है और उसमें आपने एक मतलब इसी की एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने फोर्ड मुस्टैंग की एक तस्वीर ऊपर लगाई हुई है लेकिन आप फोर्ड मुस्टैंग की बात नीचे जाके कर रहे हैं जो कि तकरीबन दो चार पैराग्राफ के बाद आ रही है, तो आपके ख्याल में क्या वो एक रेलिवेंट इमेज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बात कहीं हो रही थी और दिखा कहीं रहे हैं आप, सो वो बड़ा मिसमैच सा हो जाता है। तो यूज़र को भी नहीं पसंद आएगा और गूगल भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। तो आपने मेक श्योर करना है कि जहाँ पर आप इमेज लगाएं उसके अराउंड टेक्स्ट भी देख लें कि वो उस इमेज के रेलिवेंट है कि नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट गूगल मैयर करता है कि इसके अराउंड टेक्स्ट क्या लगा हुआ है और उसके इमेज कौन सा लगा हुआ है। तो अगर वो रेलिवेंट होगा, वो रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तो गूगल आपको ज़्यादा अच्छी रैंकिंग देगा। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की जिसमें टाइटल, कैप्शन और टेक्स्ट अराउंड इमेज, ये तीन चीज़ें आपको और देखनी है ऑल टैग के बाद जो कि गूगल मैयर कर सकता है, और जितना ज़्यादा आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा SEO बेहतर होगा। अच्छा, अभी मुझे पता है कि आप लोग वो कोड्स देख के शायद परेशान हो गए होंगे कि ये हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको चूंकि बार बार ये बताया है कि आप वर्डप्रेस में अपना वेबसाइट अगर बनाएं तो आपको वर्डप्रेस काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। सो ये जैसे कि आप वर्डप्रेस में विंडो देख सकते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस में इमेज लगाएंगे तो ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे जिसमें आप टाइटल, ऑल टैग और दूसरी चीज़ें उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपको कोड से खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस के ज़रिए सिर्फ इसको फिल करेंगे, यहाँ जो आपने एग्जैक्ट लिखना है वो चीज़ लिखेंगे, वर्डप्रेस खुद ही पीछे कोड हैंडल करेगा और अल्टीमेटली आपका इमेज जैसे जब पब्लिश होगा वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो वर्डप्रेस में आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि HTML भी पढ़ लिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको HTML की वेबसाइट मिले या आपको अगर HTML कोड देखना पड़ जाए तो आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आप ये सारा कोड मतलब याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कहीं सेव कर सकते हैं और बार बार इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको देख लें, कॉपी करें, टैग्स चेंज करें और उसको यूज़ करें।